मुगलों के हरम को लेकर लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा देखने को मिलती है। मुगल जहां भी युद्ध करने जाते थे तो अपनी हरम साथ ले जाते। हरम का आशय भोग विलास से है, जहां पर मुगल अय्याशी किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ टीथ रिलिस्ट्री यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मुगलों के हरम का सच क्या है, हरम का इतिहास क्या है, मुगलों के हरम की खासियत क्या है। इसी कारण इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के मन में इतिहास से संबंधित कई तरह के सवाल होते हैं, जिनके जवाब आमतौर पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास के बारे में कितनी भी जानकारी हासिल कर लेकिन कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है तो आइए जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, उम्मीद है और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद जरूर आएगा। हरम एक शानदार शाही महल था, लेकिन छिपा हुआ हिस्सा, जहाँ रंगीन रोशनी से नहाया कमरा, खूबसूरत पर्दे टंगे हुए होते थे, दीवान पर बिछी मखमली चादर, चारों तरफ फैली इत्र की खुशबू, आसपास श्रृंगार की हुई शाही महिलाएं होती थी। ये महिलाएं दासी या रखैल होती थी। इनमें हर उम्र की महिलाएं होती थी, कुछ कमसिन युवतियां भी होती थी। बादशाह के दाखिल होते ही ये उनकी सेवा में लग जाती। बादशाह कपड़े उतार हल्के होते तो कोई पैर दबा रहा, कोई बदन, कहीं जाम बन रहा होता, वहां रानी भी मौजूद होती। लेकिन ये बादशाह की अपनी मर्जी है कि वो किसके साथ क्या करे, रानी इस पर उफ़तक नहीं कर सकती थी। हरम एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है छिपी हुई जगह। इस शब्द का इस्तेमाल मुगलों के समय में महिलाओं के कक्ष के लिए होने लगा। आईने अकबरी के अनुसार अपनी किताब आईने अकबरी में लेखक अबुल फजल ने इसके लिए सिविस्तान इकबाल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने इस किताब में मुगलों के हरम के बारे में काफी कुछ लिखा है। हरम शाही महिलाओं के लिए रहने का एक अलग स्थान होता था। एक छोटे शहर जैसा मुगलों का हरम हुआ करता था, जहां हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति की महिलाएं रहती थी। ना केवल बादशाह के रिश्तेदार, बल्कि उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली हर तरह की महिलाएं, और यहाँ उनके लिए पर्दा भी जरूरी था। आईने अकबरी के मुताबिक कहा जाता है कि हरम की पहली महिला मुगल काल के दौरान बादशाह की माँ होती थी। बाबर नामा और हुमायूं नामा में इसके कई उदाहरण हैं। जब बादशाह की माँ कई अवसरों पर मौजूद होती थी, माँ के अलावा सौतेली माँ और धाय यानी उपमाता या दाई माँ भी होती थी, इनके बाद रानी और फिर दासिया। हरम अस्तित्व में मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक रहे, लेकिन अकबर के समय से इसका सही रूप देखा जाता है। यह व्यवस्था जहांगीर के समय अपने चरम पर थी और औरंगजेब के समय यानी मुगल शासन के पतन काल में हरम का अस्तित्व ही खत्म होने लगा था। हरम उसके बाद रंग रलियों का अड्डा बन गया था। मुगल काल में कई शहरों में हरम थे, जिनमें मुख्य शाही हरम आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और लाहौर में होते थे, जहां बादशाह का अधिक समय गुजरता था। कोई भी बाहरी हरम में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसके लिए वहां पहरेदार भी लगे होते थे। गुस्ताखी करने वालों को फांसी की सजा तक दे दी जाती थी, वो भी हरम के अंदर ही। महिलाओं के हाथ में ही हरम के अंदर की सुरक्षा थी, जबकि बाहर की सुरक्षा बादशाह के वफादार सिपाहियों के जिम्मे रहती थी। वहाँ सुरक्षा में कुछ हिजड़े भी जरूर होते थे। जो महिला एक बार यहाँ आ जाती, उसके बाद यहाँ से उसकी अर्थी ही उठती थी। यह रसद की आपूर्ति, रानी और दासियों की जरूरत के सामान, सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि 5,000 से भी ज्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थी और इनमें से सैकड़ों के साथ बादशाह के संबंध थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई भी जानकारी बाहर नहीं आती थी, वहीं दासियों को भी इन कड़े नियमों का पालन करना होता था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।